मैं डॉक्टर गगनदीप शर्मा आज दैनिक जागरण की टीम के साथ हूं। आप देख रहे हैं जिस जगह पे मैं खड़ा हूं, सामने से ओवरब्रिज है जो नाभा से भवानीगढ़ जा रहा है, ये हाईवे है। आप देख पा रहे हैं कि इस तरफ से गाड़ियां आ रही हैं, लेकिन सड़क पर कोई भी वाइट पट्टी नहीं है जो धुंध में या रात को जो सही से रास्ता दिखा सके। जैसे ही हम ब्रिज के पास आते हैं, यहाँ पर कोई इंडिकेशन नहीं है कि कोई साइन बोर्ड नहीं है कि आगे ब्रिज है, तो जिसमें ये देखा गया है कि रात को जब तेज़ रफ्तार से गाड़ियाँ होती हैं, धुंध होती हैं, तो यहाँ पर अधिकतर एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो अगर मेरा निवेदन है कि सरकार से अगर किसी भी टाइप का कोई ऐसा प्रोजेक्ट आता है, वैसे तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको एक छोटे लेवल पर भी ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई प्रोजेक्ट आता है इससे संबंधित, तो पहल के आधार पर इसको किया जाए और लोगों की सुरक्षा, जो उनका एक सरकार का एक लोगों का अधिकार है अपना कि उनको सुरक्षा मिल सके, तो उस सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से यू टर्न है, ये एरिया नाभा का जो फोकल पॉइंट है उस तरफ से यू टर्न जाता है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कोई पुलिसकर्मी भी होना चाहिए, कोई ट्रैफिक पुलिस।